अस्सलाम वालेकुम। तो यार काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं ना वीडियोस वगैरह कोई नहीं बना रहा। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं पेपर से मसरूफ़ था, लेकिन अब तो फ़ारग हो गया। लेकिन मेरे पास ना इतना अभी तक ना मतलब दोस्तों वगैरह के साथ गैदरिंग मेरी इतनी कोई नहीं हुई। अकेला ही निकलता हूँ जब भी निकलता हूँ। तो उसके लिए ये है कि मतलब कि यार अभी इस वक्त तो टाइम मेरे पास नहीं मिल रहा मुझे। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वैसे ही अपलोड करूँगा। उसके अलावा लेटेस्ट बात ये है कि जी क्या मैंने किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो उन डिवाइसेस के लिए, अगर किसी के पास रेडमी की डिवाइसेस हैं तो वो उसको ट्राई कर सकता है। और ये है कि इसकी गैलरी में जाने का थोड़ा सा मसला पड़ जाता है, वो क्या सब सही है ठीक है। और ये है कि यार आजकल शादियां भी काफ़ी थी, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी रहा था। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली अपलोड किया करूँ। यार असल में कैमरा लेना है मैंने, वो कैमरा है 4K स्पोर्ट कैमरा, जो कि हेलमेट पर लग जाता है। जिसका फ़ायदा ये है कि ना आप वो कैमरा लगा के मतलब व्लॉग वगैरह बना सकते हो, उसके अलावा वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो। लेकिन वो कैमरे के लिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, तो वो अभी पैसे जमा कर रहा हूँ। जैसे मेरे वो पैसे जमा हो जाएंगे तो वैसे ही मैं सीधा अपलोड कर दूँ अपलोड करना शुरू कर दूँगा। और जैसे जैसे पैसे मतलब आते रहेंगे, वैसे वैसे कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी होती रहेगी। क्योंकि उस कैमरे की क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है जितनी चाहिए होती है एक बाइकर को। तो मैं असल में 70 ही चलाता हूँ, और 70 पर ही मतलब वीडियो स्टूडियो बनाऊँगा। उसके अलावा और कुछ नहीं, बस मेरे पुराने व्लॉग देखे ही होंगे आपने। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। वैसे यार बड़ी हिम्मत की बात होनी चाहिए, मतलब हिम्मत चाहिए होती है यार कि मतलब वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए। क्योंकि एक तो पब्लिक के सामने ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना ना, और वो भी मोबाइल से। हाँ DSLR पकड़ा हो तो बंदा फिर भी कहता है कि यार चलो ठीक है आपने बना रहे हो, ठीक है कोई वीडियोस वगैरह बना रहे हो। लेकिन ऐसे मोबाइल से ना वो फिर समझते हैं, अजीब समझते हैं। देखो ना सारे लोग देखते हैं, फिर एक मतलब इधर के बंदा कर क्या रहा है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, जैसे मुझे एडिटिंग का टाइम मिले। और अगर कोई बंदा है एडिट करने वाला तो कमेंट करें। और सर्दी ख़त्म नहीं हो रही यार, किसी तरह सर्दी ख़त्म करो पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेशली, क्योंकि लाहौर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये है कि मैंने कुछ ट्राई मतलब कुछ चाय पानी वगैरह ट्राई किया था मैंने जोहो टाउन से, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। अभी तो मैं ट्राई कर ही जा रहा हूँ, ठीक है जो बेस्ट होगा उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो अभी अभी तो मैं खाली ट्राई कर रहा हूँ, सब मतलब सारी जगह जा रहा हूँ। अब बस वो है, वो जगह बतानी है जो कि जहाँ पे चाय सबसे अच्छी है। मैंने एक नाम सुना है दूध पत्ती, वो लिबर्टी में बरकत मार्केट के पास है। उसकी सुनी है कि दूध पत्ती काफ़ी अच्छी है, अब उसके पास जाकर ट्राई करना है। तो अगर नहीं पिछले व्लॉग देखा तो वो देखें जाके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें। आपका दाऊद DV व्लॉगर, अल्लाह हाफिज़।